हेलो फ्रेंड्स, शेयर प्रिंटर को आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं और आपके सिस्टम पे फ्रेंड्स जब इसको कनेक्ट करने जा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आ रही है फ्रेंड्स 0x5x011B, ये एक जो एरर है ये मैसेज शो कर रहा है और आप अपने सिस्टम से प्रिंटर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप उस पे प्रिंट देने में आपको दिक्कत हो रही है फ्रेंड्स। तो एक बार आप यहां पे इसको दोबारा से करके देख लीजिए डबल क्लिक करके, तो अभी भी फ्रेंड्स सेम वही प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स इसके लिए चलना पड़ेगा फ्रेंड्स हमको अपने सर्वर पीसी पे, होस्ट पीसी पे, जिस पे कि हमने ये जो प्रिंटर है अपना शेयर किया हुआ है, और फ्रेंड्स वहां पे हमको एक छोटा सा रजिस्ट्री हैक करना है। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे रजिस्ट्री एडिटर को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके यहाँ पे रन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे हमारा रजिस्ट्री एडिटर ओपन हो जाता है, हमको उसमें जाना है एच की लोकल मशीन के अंदर, उसके अंदर सिस्टम के अंदर करंट कंट्रोल सेट के अंदर जाना है, उसके अंदर कंट्रोल्स के अंदर जाना है और वहां पे फ्रेंड्स हमको एक फोल्डर जो सर्च करना है वो है फ्रेंड्स प्रिंट नाम का, और इस पे फ्रेंड्स जैसे हम क्लिक करेंगे तो इसके अंडर में हमको एक वैल्यू जो है कि यहाँ पे ऐड करनी है DWORD32 की वैल्यू। तो राइट क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको दिख रहे हैं DWORD32-bit वैल्यू, इस पर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको जो इसका जो नाम रखना है फ्रेंड्स वो रखना है RPC AUTHN लेवल प्राइवेसी इनेबल्ड। तो इस नाम से आपको ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो वापस हम चले जाते हैं अपने जहाँ पे हमने वैल्यू क्रिएट की है, इसको मॉडिफाई कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं रीनेम करके, वो जो हमारी वैल्यू लिख देते हैं RPC AUTHN लेवल प्राइवेसी इनेबल्ड, और फ्रेंड्स इसकी वैल्यू को मॉडिफाई करके हमें सेट कर देना है 0, और फ्रेंड्स 0 करने के बाद हमें रजिस्ट्री एडिटर अपना कर देना है यहाँ पे क्लोज। अब फ्रेंड्स हमको अब यहाँ पे जो टाइप करना है services.msc, सर्विसेज में हमें जाना है, वो भी हमें रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके ही जाना है। तो यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर देते हैं फ्रेंड्स, और जैसे ही हमारा यहाँ पे सर्विसेज वाला जो ये विंडोज ओपन होता है इसमें फ्रेंड्स हमको सर्च कर लेनी है प्रिंट स्पूलर जो सर्विस, और सिंपली इस पर राइट क्लिक करके इस सर्विस को हमें कर देना है यहाँ पे रीस्टार्ट। तो फ्रेंड्स सर्विस रीस्टार्ट हो चुकी है। अब फ्रेंड्स हमारा जो है होस्ट का जो सर्वर का पीसी का जो हमारा काम है यहाँ पे खत्म हो चुका है, जिसपे हमारा प्रिंटर जो है शेयर है। और अब फ्रेंड्स हम वापस चलते हैं अपना हमारा जो क्लाइंट का पीसी है जिसपे कि हमें प्रिंटर को शेयर प्रिंटर को जो कि कनेक्ट करना है, जिसपे हम प्रिंट करना चाह रहे हैं फ्रेंड्स, उस पीसी पे हम चलते हैं। तो पहुंच गए यहाँ पे और यहाँ पर हम फ्रेंड्स एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं जहाँ पे हमें कनेक्ट करना था सर्वर के थ्रू, और इस पे डबल क्लिक करते हैं फ्रेंड्स। तो आप फ्रेंड्स देख रहे हैं फिनिशिंग द इंस्टॉलेशन यहाँ पे शो हो गया फ्रेंड्स, और यहाँ पे देख सकेंगे प्रिंटर जो हमारा कनेक्ट हो चुका है, इसमें कोई प्रकार की 11B वाली जो प्रॉब्लम है वो फिनिश हो चुकी है। तो फ्रेंड्स इस हेल्पफुल वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।